नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकवेन यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे डेली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉन्ट्स के बीच जो नेक्स्ट आईपीएल का मैच खेला जाएगा उसके बारे में ड्रीम इलेवन की टीम भी देखेंगे और हर एक डिफरेंट सेक्शन को कवर करेंगे ये वाला मैच दोनों ही टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है खासकर डेली कैपिटल्स के, के लिए अगर डेली कैपिटल्स मैच हार जाती है तो ऑलमोस्ट डेली कैपिटल्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और वही अगर लखनऊ मैच हार जाती है तो उनके लिए भी प्ले में क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जब बड़े मैचेस आते हैं जब नॉकआउट वाले मैचेस आते हैं तो कौन से प्लेयर्स बहुत बेहतर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आज अगर हम टीम बनाते हैं तो डेफिनेटली हम ब्रेण लीग के साथ साथ स्मॉल लीग में भी तगड़ा विन कर सकते हैं तो वीडियो आप एंड तक देखना बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कौन सा बड़ा नाम आज आपको धोखा दे सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिले तो वीडियो भी एक लाइक करके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी अगर टेलीग्राम पे नहीं आया तो टेलीग्राम चैनल का पार्ट भी बन जाना क्योंकि जो फाइनल टीम है अपडेट के साथ टॉस के बाद वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ लगातार अगर आप मैचेस ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ मैचेस में लॉस भी होता है लेकिन ओवरऑल काफी बढ़िया प्रॉफिट में हम है किन लोग प्रॉफिट में है कौन से लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है जो टेलीग्राम पे कनेक्ट हैं तो टेलीग्राम पे आ जाना शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट के साथ तो अरुण जेटली क्रिकेट एड्स स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा जो कि डेली में है और इस सारे यहाँ पे जितने भी मैचेस खेले गए बहुत बढ़िया हमें रन देखने को मिले तो ओवरऑल एक बैटिंग फ्रेंडली सरफेस आपको नजर आएगी साथ ही साथ यार थोड़ा सा सीमर्स ने फिर भी यहाँ पे बेहतर किया है क्योंकि आपको भी पता है जिस मैच में बैटिंग ज्यादा तगड़ी होती है वहाँ सीमर्स फिर भी थोड़े बहुत विकेट्स ले जाते हैं क्योंकि ज्यादातर जो मैं क्रिकेट होता है वहाँ डेथ ओवर सीमर्स डालते हैं और वहां पे चांसेस रहते हैं कि विकेट्स गिरते हुए नजर आए एवरेज फर्स्टिंग स्कोर वन है लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोनों ही टीम बढ़िया स्कोर करेंगी ढाई सौ वाला स्कोर तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि बहुत बड़ा मैच है दोनों टीम के लिए लेकिन उम्मीद करके आप चल सकते हो दो सौ के आसपास जो भी टीम बैट फर्स्ट कर रही है एटलीस्ट बनाना चाहेगी चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो डीसी हो लास्ट मैच भी यहाँ पे देखो डीसी ने बैट फर्स्ट करके दो बना दिए थे राजस्थान चेज नहीं कर पाया सात विकेट पेसर्स निकाले सात विकेट स्पिनर उसके पहले डेली ने टू बनाए थे मुंबई चेज नहीं कर पाया था दस विकेट पेसर्स दो विकेट स्पिनर उसके पहले डेली कैपिटल्स ने 224 बनाए थे और गुजरात चेज नहीं कर पाए तो तीनों के तीनों मैचेस डेली ने डिफेंड किए हैं फर्स्ट बैट करके तगड़ा स्कोर किया और उसको डिफेंड किया है दस रन से कभी बीस रन से और कभी चार रन से मैच को जीता हुआ है तो डेली आर एस वैली के ऊपर काफ़ी बेहतर कर रही है और उनका होम ग्राउंड भी है तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट उनको ज़रूर रहेगा हालांकि लखनऊ को भी आप वीक नहीं समझ सकते पिछले कुछ मैचेस उतने बेहतर नहीं रहे आज कम के चांसेस रहेंगे यहाँ पे अगर हम देखें जो एड टू एड मैचेस खेले गए पिछले तीन मैसे दो मैचेस लखनऊ ने जीता है इस साल का जो मैच था वो डीसी ने जीता हुआ है उस मैच के अंदर लखनऊ सिर्फ 167 बना पाई थी और डीसी ने बहुत आर आसानी से चेस किया था उस मैच के अंदर मैकगर्ग ने 55 बनाए थे यहाँ शिश वी ने फिफ्टी फाइव के राहुल ने थर्टी नाइन वाली पारी खेली थी इसके अलावा ऋषभ पंत फोर्टी वन तीन विकेट कुलदीप ने लिए थे दो विकेट खलील अहमद और यहाँ से रवि विष्णुई को दो विकेट और नवीन उलक ने एक विकेट निकाला था बाकी आज का मैच एकदम डिफरेंट हो सकता है जिस टीम से आप उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हो ना उससे कुछ प्लेयर्स आज के मैच में आग लगा सकते हैं शुरुआत करेंगे डेली कैपिटल्स की पॉसिबल इलेवन तो लगभग इस तरीके की रहेगी ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है यार सिर्फ़ ऋषभ पंत लास्ट मैच में पता है सबको बैन लगा था तो खेल नहीं रहे थे आज के मैच में ऋषभ पंत की वापसी होगी और लास्ट मैच में मिस किया है टीम ने भाई कैप्टनसी में भी मिस किया है कैचेस भी काफ़ी ड्रॉप किए और बैटिंग में भी आप देख रहे थे बहुत बड़ा स्कोर नहीं था आरसीबी ने आपको 190 के आसपास कुछ स्कोर दिया था और वहां पे आप चेज नहीं कर पाए अगर रिशद पंत होते तो हो सकता है कुछ दूसरा रिजल्ट टीम का रहता और क्वालिफाई के और करीब पहुंच जाती चलिए डेविड वार्नर से शुरुआत करें तो चालीस का इनका एवरेज है रिसेंट में आप देखो पिछले कुछ मैचेस खिलाए नहीं है सिर्फ लास्ट मैच में टीम ने खिलाया हुआ था और उस मैच के अंदर जल्दी आउट हो गए यार आज के मैच में फिर से चांसेस बन रहे कि डेविड वार्नर कम करके आपको दे 40 के एवरेज वाला प्लेयर है भाई फॉरेन प्लेयर्स में 40 का एवरेज किसी का नहीं है इतने सारे मैचेस के बाद और आई में अगर कंसिस्टेंट प्लेयर अगर हम किसी को बात करें जो फॉरन प्लेयर्स में इंडियन प्लेयर्स तो विराट कोहली सबको पता है के एल राहुल भी काफी कंसिस्टेंट रहते हैं शुभमन गिल ने भी काफी सारे रन बनाए बाकी फॉरन प्लेयर्स में अगर हम बात करें तो एक लौता प्लेयर याद आता है डेविड वार्नर जो लगातार रन बनाता है इस सीजन में टीम ने उतना ज्यादा मौका दिया रही है लास्ट मैच में दिया तो चल नहीं पाए आज के मैच में बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे की डेविड वार्नर के बल्ले से पचास रन के आसपास आ सकते हैं तो मैं यार टीम में भी रखूंगा और कैप्टन तो नहीं एटलीस्ट वाइस कैप्टन जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा बढ़िया प्लेयर है नेक्स्ट बात करें फ्रेशर मैगर्ग फोर्टी का एवरेज रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक नज़र आ रहा है अच्छा सीजन जा रहा है और काफ़ी सारे लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन भी हैं शुरुआत में अगर पाँच से सात या दस बॉलें खेल जाते हैं तो आराम से पच्चीस तीस रन वाला स्कोर बना देते हैं और अगर पच्चीस तीस रन आप ताबड़ तोड़ बना रहे हैं तो कैप्टन या वाइस कैप्टन आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आप ले ही जाते हैं और इसके अलावा कैचिंग भी आपकी बढ़िया है तो एक दो कैचेस अगर आ जाते हैं तो ठीक ठाक चॉइस बन जाएंगे बाकी मैं नहीं रख रहा हूँ यार बड़े मैच में बहुत ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है और डेली के लिए काफ़ी बड़ा मैच है अगर यहाँ से डेली हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करूंगा अभिषेक पोरल अब नहीं है टीम के अंदर क्योंकि यार ऋषभ पंत आ चुके हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन में सामने वाली टीम के पास ऑलरेडी तीन तीन विकेट कीपर है तो अभिषेक पोरल को तो हम ले नहीं पा रहे हैं लीग में ट्राई करना शेयोप के साथ भी मैं नहीं जा रहा हूँ यार टीम शेयप को मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों खिला रही है क्योंकि बैटिंग आप टी ट्वेंटी में उतना बेहतर करते नहीं हैं विकेट कीपर को आपको जरूरत है नहीं विकेट कीपर आप खिला रहे हैं एक्स्ट्रा विकेट कीपर तो मेरे नज़र में तो उतना बेहतर चॉइस नहीं बन रहे हैं तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ आपको रखना है ग्राइंडिंग में रख लेना ऋषभ पंत बहुत कमाल का सीजन जा रहा है पिछला मैच इनके एप्सलसी में टीम हार भी गई है यह मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ पिछले तीन मैचेस खराब भी हैं तो ऋषभ पंत के बहुत हाई चांसेस बन रहे की आज के मैच में कमाल की पारी खेले कैप्टन वाइस कप्टन आप बिल्कुल रख सकते हो कैप्टन नहीं रखना एटलीस्ट वाइस कैप्टन आप ट्राई करके चल सकते हैं अक्षर पटेल लास्ट मैच कैप्टनसी कर रहे थे विकेट तो कोई नहीं मिला लेकिन बैटिंग से जरूर उताबड़ तोड़ इन्होंने फिफ्टी सेवन रन बनाए और आरसीबी के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर लग रहे थे कुछ टाइम के लिए बाकी फिर आउट हो गए टीम को जीत नहीं दिला पाए आज के मैच में फिर से परफॉर्मेंस आ सकती है टीम के अंदर रखो अब कैप्टन में कैप्टन के हमारे पास बेहतर चॉइस है तो वो तो हम करेंगे नहीं नेक्स्ट बात करें ट्रिस्टर स्टब्स लास्ट मैच खराब रहा है एक मैच अच्छा जाता है एक मैच खराब जाता है आज का मैच काफी बड़ा मैच है तो डेली के विकेट्स गिरेंगे स्टप्स की अगर बैटिंग आती है तो बढ़िया कर सकते हैं टीम के अंदर रखे जा सकता है कुलदीप यादव मेरे पास दोनों कंडीशन में रहेंगे एक दो विकेट आसानी से ले सकते हैं रसिकदार सलाम बढ़िया किया यार जब भी मौका मिला है विकेट्स निकाल के दिए और काफ़ी कम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि इम्पैक्ट में दिए हुए होते हैं टीम प्लेइंग एलेवन में नहीं खिलाती है सब्सटीट्यूट में रखती है और वहाँ सेकेंड इनिंग में आखिर दो दो तीन तीन विकेट ले जाते हैं तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना स्मॉल लीग में मैं थोड़े कम बोलर्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इस पिच के ऊपर बहुत सारे रन बने हैं तो अगर आप एक्स्ट्रा बोलर को रख रहे हो अगर वो दो से तीन विकेट भी ले जा रहा है तो उसके सत्तर से अस्सी पॉइंट होंगे लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन को रख रहे हो वो अगर फिफ्टी मार जाता है तो उसके पॉइंट्स हो सकता है अस्सी नब्बे या सौ भी हो जाए और पचास से भी ज्यादा रन भरा देता तो और बेहतर चॉइस होगा तो बेहतर है थोड़े बैट्समैन को आप ट्राई करें खलील अहमद के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ ईशांश शर्मा भी उतनी मेहतर चॉइस नहीं लग रहे हैं खलील अहमद फर्स्ट बोल में रखना है तो रख लो बाकी मुकेश कुमार डेथ ओवर टीम देती है लास्ट मैच में डेथ में यार एक ओवर मिला नहीं सिर्फ तीन ही ओवर्स मिले तो एक ही विकेट इनका रह गया बाकी आज के मैच में थोड़े ज्यादा विकेट्स हो सकते हैं तो फर्स्ट बॉल में रख लेना बाकी किसी प्लेयर को मौका मिलेगा नहीं तो ज्यादा बात हम करेंगे नहीं अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लखनऊ की पॉसिबल इलेवन तो कुछ इस तरीके की रहेगी यहाँ से भी बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है टीम बढ़िया कर रही है पिछले कुछ मैचेस में जरूर उतना मैटर नहीं कर पाई है टूर्नामेंट की शुरुआत जरूर काफी अच्छी हुई थी तो मुझे तो नहीं लग रहा ज्यादा चेंजेस होंगे क्विंटन डिकॉक का फॉर्म लगातार नहीं चल रहा है तो यही एक लौता हो सकता है चेन बन जाए कि आप कायल में को ले आए विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी के एल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं पूरन भी ऑप्शन है तो क्विंटन डिकॉक की जगह मेयर्स को जगह मिलना चाहिए यार अच्छा प्लेयर है और लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो तो शुरुआत के मैचेस में बहुत ताबड़तोड़ उन्होंने शुरुआत दिलाई थी चलिए यहाँ पे बात करें क्विंटन डिकॉक इकतीस का एवरेज सीसेंट फॉर्म खराब चल रहा है जब भी मौका मिलता उतना है उतना मेहतर कर नहीं रहे हालाँकि आज के मैच में अगर मौका मिल रहा है तो कम हो सकता है बड़ा नाम है कहीं ना कहीं अच्छा करके देखा तो अगर खेलना मेरे पास हैं चांसेस लग रहे हैं कि कायल मैस के साथ टीम जाए अगर वो खेलते हैं तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात हमें सही करेंगे ताबड़तोड़ प्लेयर है के एल राहुल फोर्टी फाइव का एवरेज सीसेंट फॉर्म आप देखो बढ़िया कर रहा है कैप्टन के लिए सबसे सेफ चॉइस है और पच्चीस तीस रन तो कहीं नहीं गए और लास्ट मैच में जैसा कि सबको पता है थोड़ा क्रिटिसाइज हो गए हैं और लास्ट ईयर एल से खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं और टीम को बता सकते हैं कि यार मैं भी तगड़े स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता हूँ तो चांसेस आज के राहुल के बहुत ज्यादा बन रहे हैं मैं टीम में भी रखूँगा कैप्टन भी करने वाला हूँ मार्कस टॉनिस अट्ठाइस का एवरेज रिसेंट फॉर्म आप देखो बढ़िया चल रहा है बढ़िया सीजन जा रहा है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से डिसेंट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं आज के मैच में भी कुछ ना कुछ कर देंगे कुणाल पांड्या के साथ मैं नहीं जाऊंगा यार बैटिंग उतनी बेहतर है नहीं और इस पिच पे बॉलिंग से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे नहीं है निकलस पूरन तीस का एवरेज रिसेंट फॉर्म आप देखो बढ़िया चल रहा है लास्ट मैच में किसी ने ट्राई नहीं किया हमने ट्राई किया और बढ़िया इन्होंने विनिंग्स कराई है आज के मैच में फिर से ट्राई किए जा सकते हैं फर्स्ट बैट में भी रखना सेकंड में भी रखना काफी सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई सेकंड बैट में पूरन को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बॉलर रख लो लेकिन यार पूरन की अगर बैटिंग आ जाती है ना बंदा फोड़ देता है और आज के मैच में मुझे लग रहा है बड़ा मैच है तो कहीं ना कहीं लखनऊ के भी सेकेंड इनिंग्स में विकेट्स गिरेंगे तो पूरन की अगर बैटिंग आती है तो बहुत अच्छा कर सकते और बैटिंग के चांसेस तो पूरे बन रहे हैं आयुष बटोनी के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ अच्छा प्लेयर है बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे से हम ट्राई करते नहीं है दीपक उड्डा उतना फॉर्म चल नहीं रहा है कृष्णप्पा गौतम के साथ भी हम नहीं जा रहे हैं रवि विश्नो एक ऐसा बॉलर है जिसको आप ट्राई कर सकते हो लेकिन कई बार मजाक हो जाता है कि भाई दो ही ओवर्स मिले हैं पिटाई हो गई तो तीसरा ओवर ही नहीं मिला तो बेहतर है ग्राइंडिंग में ट्राई करो नवीन उड़क मेरे पास रहेंगे बढ़िया फॉर्म चल रहा है एक दो विकेट आसानी से लेके देते हैं लास्ट मैच विकेटलेस रहे आज फिर से बढ़िया कर सकते हैं युद्धवीर सिंह चरक नहीं जा रहे हैं तो मजाक होता है सिर्फ डेथ में एक दो ओवर्स मिलते हैं यश ठाकुर को अगर आपको रखना है तो रख सकते हो एक आध ओवर मिलने के चांसेस रहेंगे बाकी मोहसिन खान को अगर टीम लेके आ रही है तो इस बोलर को जरूर रखा जा सकता है ये कई बार दो से तीन विकेट भी ले जाता है तो इनको आप जरूर ट्राई करना बाकी तो किसी को मौका मिल नहीं रहा है अब हम देख लेते हैं स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन तो स्मॉल लीग में के एल राहुल और फ्रेशर मैक दो चॉइसेस बन रही हैं जिसमें से के एल राहुल तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सबसे बेहतर चॉइस है हालांकि लोग मैकगर के साथ भी जा रहे हैं मैं यार उतना बेहतर विकल्प आज नहीं मान रहा हूँ क्योंकि बड़ा मैच है बड़े मैच में बेहतर है आप थोड़े बड़े प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करो तो कैप्टन मैं राहुल को करूँगा और वाइस कैप्टन मैं डेविड वार्नर के बारे में सोच रहा हूँ इसके अलावा पूरे स्टोईनिस दो तो चॉइसेस और आपके पास है अब हम गर्णी के लिए फिक्स प्लेयर्स देख लेते हैं कौन से प्लेयर्स हमारी मैक्सिमम टीम के अंदर रहना चाहिए तो विकेट कीपिंग से के ऐसा बैट्समैन मुझे नजर आ रहा है जो आपको गर्णी की हर टीम में रखना चाहिए इसके अलावा बाकी जो विकेट कीपर है हाँ ऋषभ पंत भी आज का मैच खेल रहा है तो ऋषभ को भी आप मैक्सिमम टीम के अंदर ट्राई करके चल सकते हो ठीक है इसके अलावा स्टब्स स्टब्स की जगह आप ऋषभ पंत को फिक्स रख सकते हो फैशन मैगर्क स्टोइनिस अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ये जो छह प्लेयर्स हैं ये आपको मैक्सिमम टीम के अंदर ट्राई करना चाहिए बाकी डिफरेंट कौन से प्लेयर्स रखना है ट्रंप कार्ड कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं तो डेविड वॉर्नर जिनको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर तो क्या भाई आज के मैच में पचास रन के तक चांसेस बन रहे हैं तो अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा डर रहे हो सेफ जाना चाहते हो तो एटलीस्ट टीम के अंदर रख लेना निकलस पूरन क्विंटन डिकॉक्स नवीन उलक और टिस्टर्न स्ट्स अब हम देखें कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लॉप प्लेयर तो एक ही नाम मुझे लग रहा है जो थोड़ा जल्दी विकेट दे सकता है फ्रेशर मैग जिसको काफी सारे लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो अगर आप टीम के अंदर से बिल्कुल भी ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन दूसरे प्लेयर को रखना क्योंकि मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं बड़ा मैच है और बड़ा मैच प्रेशर प्रेशर वाला मैच होता है वहां पे जो हिटर वाले प्लेयर होते हैं वो थोड़ा सा कम ही परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं ठीक है बाकी ग्राइंडिंग में ड्रॉप करना है तो ग्राइंडिंग में कर लेना अब हम स्मॉलिंग की टीम देख लेते हैं उसके पहले वीडियो हेल्पफुल लग रहा है पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों हम की टीम देखेंगे उसके पहले अगर आपने टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए तो टेलीग्राम पे आसने आ रहे हो फाइनल जो टीम अपडेट के साथ वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा जो विनिंग्स में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी तो टेलीग्राम जो कर लेना बताई दिया मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन से आ सकते हो इसके अलावा के, के यार हो रहा है। अंदर जहाँ पे आप काफी बढ़िया अमाउंट विन कर सकते हैं रीजन मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो कॉन्टेस्ट फीस भी बहुत ज्यादा कम है कॉन्टेस्ट फीस यार यार आप एक बार डाउनलोड न करके चेक करो बाकी एप्स में चेक करना फिर आप ऑनस्ट इलेवन में चेक करना हर एक कॉन्टेस्ट में आपको कॉन्टेस्ट फीस में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा इसके अलावा अलावा हर मैच में आप दस हजार का फीवी भी मिल रहा है और जो आज का मैच ऐसा है तो आप वीडियो तो फिर लेट अपलोड हो रहा है इस मैच में आप पर का गेम देखने को मिल रहा है कि में, में आप सेवन प्लस फोर चाहे टेन प्लस वन दोनों तरीके का टीम पे बना सकते इतने सारे बेनिफिट जब किसी के अंदर रहता है तो आपके लिए तो ज्यादा बेहतर है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है बाकी टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो तो टेलीग्राम पे भी ऐप का लिंक मिल जाएगा ठीक है yeah. तो डाउनलोड कर लेना इसकी जो फाइनल टीम है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा फिलहाल फिलहाल की जगह सेवन प्लस फोर्थ कॉम्बिनेशन बनाकर रखा है बाकी जो भी मैं खेलता हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेवन प्लस की तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारा बना है जिस तरीके की टीम मैंने बना के रखी है स्क्रीन शॉट अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट बाकी जो डेकोट फाइनल टीम रहेगी रहेगीवन की वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर करूंगा तो टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन जाना ऑनस्ट इलेवन डाउनलोड नहीं किया तो लिंक से आप डाउनलोड करके चल चलो चलिए शुरुआत सेक्शन से तो राहुल मेरे पास है पास पूरन मेरे है ऋषभ पंत अभी खेल रहे हैं आज आज और क्विंटन चारों के साथ जा रहा हूँ और ऋषभ पंत तो ऑब्वियस सी बात है, है लोगों को भी थोड़ा अपडेट रही कि आज क्या है कि नहीं खेलना है खेलेंगे और एक ही बैच का बैन था, तो फिर हम टीम के अंदर रख लेंगे क्विंटल आज को आज ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे देंगे। यार अगर बंदा खेलता है तो ट्राई कर लेना क्योंकि लगातार खराब रहा है और कोई भी बड़ा प्लेयर अगर लगातार फेल हो रहा हो तो कहीं ना कहीं चार से बनते हैं वो बेहतर के दे बाकी के दे। यार अभिषेक पोरल का सिलेक्शन परसेंटेज अच्छा खासा है क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि आज भी नहीं फेले बात है ऋषभ पंत लेने के चक्कर में लोग अभिषेक को वैसे भी नहीं लेने वाले आप ग्राइंड लग में ट्राई चॉइस भी नहीं है, भी से में नहीं है। yeah. बैटिंग सेक्शन सिर्फल स्टॉप से फैशन वार्नर देखो अब सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन हुआ है इसके बावजूद की बहुत बड़ा प्लेयर है आज के मैच का कम के जहां से मैं टीम के अंदर रख रहा हूँ लखनऊ के साइड से कोई उतना चॉइस नहीं आईश है आयुष बेलोनी कुछ मैचेस में अच्छी बारी के लिए तो इनको रखने रहा फर्स्ट बैट में रख ऑलराउंडर सेक्शन से और अक्षर पटेल दोनों के साथ में जा रहा हूँ गौतम बेहतर चॉइस नहीं है और पांडे ने कुछ खास किया नहीं है नहीं। तो मैं तुम्हें जा रहा हूँ विकेट और और कीपर इतने सारे हैं आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले स नहीं रहे पांड्या पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि बेहतर नजर नहीं आ रहा है बोलिंग सेक्शन से रोनाड पांडे सॉरी सॉरी कुलदीप यादव पास पास है है और इसके अलावा दो बोलर के साथ ही जा रहा हूँ और क्या चौरस बन रही है और यहाँ फर्स्ट बॉलर अगर आज डी सी की तो मुकेश कुमार या अहमद किसी एक के कि साथ जा सकते हो मैं थोड़ा ज्यादा बोल खत्म कर रहा हूँ नबीन उलक पे तो मैं सिर्फ नबीन उलक के साथ जा रहा हूँ बोलर के लिए बहुत ज्यादा पिच पे हेल्प नहीं है इसलिए मैं सिर्फ दो बोलर ट्राई कर रहा हूँ अगर आपको ज्यादा बोल ट्राई करना है तो आप कर सकते हो मैं थोड़े विकेट कीपर और बैट्समैन से ज्यादा कर रहा हूँ आज के मैच में कैप्टन गए राव सबसे बेहतर चोइस सबसे हालांकि मुझे बेहतर चोइस नजर आ रहा है आज के मैच के तौर पर इसके अलावा ऋषभ पथइस देंगे वाइस कैप्टन की और अक्षर बजन बनना है तो उन्हें भी आप ट्राई कर बाकी मैं तो वर्नर के साथ जाना चाह रहा हूँ बड़ा प्लेयर है कहीं कहीं अच्छा करके देगा लास्ट मैच खराब भी हो गए और लगातार मौका भी नहीं मिला तो कुछ इस तरीके लिए हमारी टीम फाइनल जो डील रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है yeah. वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच